हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 जो है ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस में वो हम डिस्कस कर रहे हैं और उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये सारे प्रॉब्लम लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स से पूछे गए प्रॉब्लम है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्या बोल रहे हैं कि प्रूव दैट बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर तब है जब एक्स के बराबर ए सेक थीटा वाई के बराबर बी टेन थीटा है, और सेकेंड पार्ट में ये दे रखा है एक्स के प्लेस पे ए कॉस थीटा है और वाई के प्लेस पे बी कॉट थीटा है। सो बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, दिखने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन है बड़ा आसान। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। ओके सो पहले पार्ट पर आ जाते हैं। पहले पार्ट पर सो देखो, हमें x के प्लेस पे क्या दे रखा है, ए सेक थीटा। x इक्वल टू है एक सेक थीटा और y के प्लेस पे हमें क्या दे रखा है, बी टेन थीटा पहले पार्ट में। ओके सो देखो, यहाँ से ये a मल्टीप्लाई में रखा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो यहाँ से x अपॉन a क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इधर भी वही चीज़ हो जाएगी। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो जो अगर प्रूफ करने वाले पर अगर आप गौर से देखोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है तो वो तभी जाएगा इसकी एस से मल्टीप्लाई इससे ही हो। तो इसे अगर इक्वेशन 1 मानो और इसे इक्वेशन 2 मानो तो क्या करना पड़ेगा आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू समीकरण 1 में से 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक, अब देखो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और ये तो आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये अपन की तरह के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यही आपको क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। सेकेंडली सेकेंड पार्ट पे आ जाऊँ, सेकेंड पार्ट में आपको एक्स इक्वल टू दे रखा है ए कॉसेक थीटा, सेम तरीके से होगा डिक्टो सेम, और y इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, b कॉट थीटा। तो डिक्टो वैसे ही होगा जैसे अभी ये क्वेश्चन हमने किया था, ये कॉसेक थीटा होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर भी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिर क्या करना होगा, इसे अगर इक्वेशन 1 मानोगे इसे इक्वेशन 2 मानोगे फिर क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देना, माइनस। फिर से एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, ये अपॉन में रख क्या हो गया, मल्टीप्लाई, यही हमें प्रूफ करना था। सो इसे भी हमने आराम से कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या बोल रहे हैं, इफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉट थीटा देन प्रूव दैट कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू रूट कॉसेक थीटा। हमें गिवन क्या है, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब जा जाओ सॉल्यूशन पे, जो हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। सिंस हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है
कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा किसके इक्वल है, रूट टू कॉट थीटा के। ये मैं गिवन है, मैं क्या करूँगा दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। तो जब स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, सो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के टू ए बी, और इधर से रूट टू का टू क्या जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो ये कॉट थीटा है, ये टू कॉट स्क्वायर थीटा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा, इधर आके एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, और ये नेगेटिव के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको बताइए क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इधर क्या है टू कॉसेक थीटा कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है, ये हमें गिवन में दे रखा था, कितना दे रखा था इसकी वैल्यू, अंडर रूट टू कॉट थीटा। इसकी वैल्यू में गिवन थी, क्या थी ये अंडर रूट टू कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ अंडर रूट टू अपॉन में आ जाएगा टू अपॉन रूट टू, तो क्या बचेगा अंडर रूट टू कॉसेक थीटा भी था मल्टीप्लाई में, तो यही तो आपको प्रूफ करना था, कॉट थीटा कॉसेक थीटा इसके इक्वल प्रूफ करना था रूट टू कॉसेक थीटा के, हेंस प्रूफ। ठीक है, आराम से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड 2015 में। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहे कॉट क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन, ये चीज़ इसकी इक्वल हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है। आपको पता ही है जब यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी हमें बनते हुए नहीं दिख रहा है, तो क्वेश्चंस को हमें साइन कॉस के फॉर्म में हमें क्या करना होता है, तोड़ना होता है। सो देखो कॉट को मैं ले सकता हूँ कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है साइन क्यूब थीटा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो वन, और ये तो वैसे का वैसे ही रखो। साइन को लिख सकते हैं हम साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पर क्या है कॉस क्यूब थीटा पर वन लिख लो, और नीचे जो है वैसे का वैसे रख दिया लेफ्ट हैंड साइड में कर, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, क्या बचा कॉस क्यूब थीटा। देखो नीचे सेम है, नीचे सेम है तो क्या होता है, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे के वैसे ऐड हो जाते हैं, और एलसीएम में नीचे सेम आ जाएगा। ठीक, ये चीज आ गई। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, ये क्या है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के ए बी, ये एक फॉर्मूला आप याद रख लेना। ए के प्लस पे कॉस है और बी के प्लस पे साइन है, रख देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, और अंदर ए का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा
बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या है जो है वैसे वैसे लिख दो। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो एक पावर बचेगी और नहीं ये बचेगा। ठीक है, अब जो प्रूफ करना था वो अभी तक आया नहीं है। आंसर में साइन कॉस का टर्म है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैं यहाँ तो फिर देखो क्या रख दूंगा, वैल्यू 1 रख दूँगा और जो बचा वैसे का वैसे लिख दिया। हमें ये नहीं प्रूफ करना था, हमें तो देखो भैया क्या लाना था, इधर 1 लाना था। तो इधर 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड यहाँ करना पड़ेगा तो सब में करना पड़ेगा, तो कर देते हैं, सब में डिवाइड कर रहे हैं हर एक टर्म में। ठीक है, हर एक टर्म में मैंने कर दिया डिवाइड। इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे पूरा पूरा कट गया, तो 1/sin ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉस एक थीटा, कॉस ऊपर जाके हो जाएगा सेक थीटा, और इधर से 1 बचेगा। 1/sin क्या होता है कॉस एक थीटा, 1/cos क्या होता है सेक थीटा, यही आपको प्रूफ करना था। आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट के अंदर है इसको प्रूफ करना हमें, अंडर रूट 2 स्क्वायर कॉसेक थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। इसको अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 कॉसेक थीटा प्रूफ करना है। सो मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बता रखा है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा, है कि नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बोल रखा है रैशनलाइजेशन करना है आपको। अब देखो क्या करेंगे, इधर वाले में करना है रैशनलाइजेशन, तो अपोजिट नीचे जो भी होता है उसका अपोजिट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट साइन लेना है ना, तो माइनस का प्लस। अब देखो ये 2 बार हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये भी 2 बार मल्टीप्लाई में है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो जो 2 बार है, यहाँ पर भी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यहाँ पर भी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ क्या आ गया sec थीटा माइनस 1, 2 पावर है, अंडर रूट से बाहर आकर 1 हो गया, और इधर क्या बचा अंडर रूट के अंदर, यही चीज़ बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये भी देखो sec थीटा प्लस 1, एक पावर बाहर आ जाएगा, और इसके नीचे भी अंडर रूट में वही बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब एलसीएम सेम है तो नीचे सेम आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और ऊपर वैसे के वैसे जुड़ जाएंगे। इससे ये कटा sec थीटा क्या हो जाएगा 2 sec थीटा, और नीचे क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये आया हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपको पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ tan थीटा रखोगे 2 sec थीटा, और यहाँ अंदर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 12 के। देखो sec को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos,
और यहाँ 10 आएगा अंडर रूट से बाहर, और 10 का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो इसके अपन में साइन कॉस थीटा, इसके अपन में कॉस थीटा कटा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस सेक थीटा। यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नए प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं, है ना, नहीं 5 पे है हमारा। देख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, कह रहे प्रूव दैट टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस के साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 इसके इक्वल होता है। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। सो इसमें देखो आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो 10 को मैं ले सकता हूँ साइन अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि जब भी आइडेंटिटी नहीं लगती तो फंक्शन को साइन कॉस में ब्रेक करना होता है। और यहाँ पर भी वही चीज, ठीक है अब सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि लेफ्ट को सॉल्व करके मैं राइट ला रहा हूँ। सो ऊपर से देखो क्या कॉमन है, साइन कॉमन है, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन कॉस थीटा 1। ठीक है, यहाँ से भी साइन कॉमन है, तो यहाँ से साइन बाहर आ गया, तो यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर भी 1 कैंसिल। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा माइनस 1, यहाँ प्लस था, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 किसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 sec² a के। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखो लेफ्ट हैंड में फिर से आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो हमें ब्रेक करना है फंक्शन को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, ठीक। यहाँ से तो ऊपर चलो जैसा है वैसे का वैसे ही रखो, यहाँ से एलसीएम क्या जाएगा, साइन ए, सो यहाँ से 1 - sin a हो जाएगा, ठीक, प्लस ऊपर 1 अपॉन साइन a है, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 1 + sin a / sin a, क्योंकि इधर हम एलसीएम लेके सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ ये इधर है, ये इधर है, इसके अपन में भी साइन, इसके अपन में साइन कैंसिल, तो क्या बचा, 1 अपॉन 1 - sin a प्लस 1 अपॉन 1 + sin a, यही बचा। एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी 1 + sin a, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 - sin a। ठीक है, इससे ये कटा, तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे क्या देखो, a - b a + b क्या होता है, a² - b², और 1 - sin² क्या होता है, cos² थीटा, और 1 अपॉन cos² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec² और यही तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा।